ऐसा क्या है अतीक अहमद में जिसकी मौत को लेकर इंडियन पॉलिटिक्स दो धड़ों में बट गई, एक उसका सपोर्ट करने में लगा है तो दूसरा उसकी मौत को सेलिब्रेट करने में। आखिर कैसे एक शख्स जिस पर मात्र 17 साल की उम्र में मर्डर जैसे गंभीर आरोप लगते हों लेकिन फिर भी 5 बार चुनाव जीतकर राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत बनाता है, आखिर कैसे? और वो कौन से राजनीतिक दल या लोग थे जिन्होंने अतीक अहमद को क्राइम और राजनीति का एक मंझा हुआ खिलाड़ी बना दिया? लूट, डकैती, लोगों की संपत्ति पर कब्जा करना और बड़े बड़े बिजनेसमैनों से वसूली करना इन लोगों का बिजनेस बन चुका था। अतीक अहमद को यूपी का फर्स्ट गैंगस्टर भी कहा जाता है क्योंकि उसी पर सबसे पहले गैंगस्टर एक्ट लगा था। स्टार्टिंग में ये लोग छोटी मोटी चोरियां और हफ्ता वसूली जैसे काम करते थे। धीरे धीरे इनका क्राइम का साम्राज्य इतना बढ़ता चला गया और ये इतने पावरफुल हो गए कि यूपी में बनने वाली तमाम सरकारें इनसे खौफ खाती थी और इन्हीं के मनचाहे लोगों को सरकारी ठेके मिलते थे। यूपी में गुंडा राज यानी गैंगस्टर राज बनने लगा था। यूपी का प्रयागराज और लखनऊ इसका हब बनकर उभरे। प्रयागराज में चांद बाबा जैसे गैंगस्टरों के गैंग भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, जिसका अतीक अहमद के गैंग के साथ 36 का आंकड़ा था, जिस वजह से यूपी में गैंग वॉर बहुत आम होने लगी। पुलिस भी चाहती थी कि ये लोग आपस में ही लड़कर मर जाएं। पुलिस के ऐसे ही एटीट्यूड की वजह से यूपी में जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी स्थिति पैदा होने लगी। आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हो कि जब एक बार अतीक अहमद को एक मर्डर केस में जेल जाना पड़ा तो उसने जेल से ही एक मोहित जायसवाल नाम के बिजनेसमैन को किडनैप किया और जेल में बुलाकर उससे प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाए। यहाँ तक कि जज भी उसका केस सुनने से डरते थे। बेल से रिलेटेड केस में ही 10 जजों ने खुद को उस केस से अलग कर लिया। जजों के बीच भी अतीक अहमद का पूरा खौफ था। यूपी पुलिस कहती है कि अतीक अहमद के आईएसआई और लश्कर ए तोयबा जैसे आतंकी संगठनों के साथ कनेक्शन थे, जिसे उसने खुद भी कबूल किया था। ऐसी गुंडागर्दी ने राज्य में कानून व्यवस्था को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था और सरकारें खुद इन लोगों को बनाए रखना चाहती थी क्योंकि ऐसे लोग इलेक्शन जितवाने में काम आते थे। इसीलिए राजनीति और क्राइम से जुड़े लोग एक दूसरे के सहयोगी बनते गए। 2 जून 1995 को होने वाला गेस्ट हाउस कांड तो आप सभी को याद होगा, जब मुलायम सिंह ने मायावती को मारने के लिए अपनी बाहुबली गुंडों की फौज भेजी थी। आखिर कैसे मुलायम सिंह जैसे लोग इतना मजबूत बनते चले गए कि राज्य के चीफ मिनिस्टर बन बैठे? असल में ये गैंगस्टर और पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर काम करती थी, इसीलिए इन गैंगस्टरों पर पुलिस भी कोई एक्शन लेने से डरती थी, जिसके चलते हत्या, लूट, अपहरण और रेप जैसी घटनाएं बहुत आम हो चुकी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अतीक अहमद को अरेस्ट कर लिया गया लेकिन दिल्ली में बैठे उसके आकाओं के फ़ोन पर उसे छोड़ दिया गया। अब अतीक को समझ आ चुका था कि असली ताकत क्राइम में नहीं राजनीति में है, इसलिए वो 1989 में पॉलिटिक्स में उतरा। उसने अलाहाबाद वेस्ट असेंबली से इलेक्शन लड़ा और वो जीत भी गया। केवल एक बार नहीं, लगातार 5 बार। पॉलिटिशियन बनने के बाद उसकी क्राइम की दुकान बंद नहीं हुई, इनफैक्ट और ज़्यादा मजबूत हो गई। आज तक उस पर एक नहीं 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटोर्शन और रेप जैसे गंभीर केस भी शामिल हैं। इसलिए ऐसे माहौल में कोई भी बिजनेसमैन कैसे काम करता होगा, इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। इसी वजह से यूपी में कोई भी कंपनी काम नहीं करना चाहती, इसलिए यूपी विकास और रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ता चला गया और आज यूपी एक गरीब स्टेट के रूप में जाना जाता है। आखिर कौन थे वो लोग जो अतीक को बचाने में लगे थे? इसमें सबसे पहला नाम समाजवादी पार्टी का आता है क्योंकि इसके मुखिया मुलायम सिंह यादव ने जो राजनीतिक संगठन खड़ा किया उसमें ज़्यादातर इन बाहुबलियों को ही टिकट मिलता था, क्योंकि भारत में कई संस्थाओं के सर्वे कहते हैं कि भारत में एक क्रिमिनल की दूसरे ईमानदार कैंडिडेट की तुलना में जीतने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो अपनी जाति और गुंडागर्दी के दम पर लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। जब एसटीएफ के डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज किया तब समाजवादी सरकार ने उस डीएसपी का क्या हल किया, आप सभी को याद होगा। लल्लन टॉप शो में वो डीएसपी अपनी आप बीती बताते हुए रो भी पड़े।
किस तरह से जान बची है उनकी। और दूसरे नंबर पर आती है कांग्रेस। खैर, कांग्रेस का सीधा कनेक्शन अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी से नजर नहीं आता, लेकिन वो अपने मुस्लिम वोट बैंक के चलते ऐसे लोगों को बैकडोर से ही सपोर्ट करती है। इसका उदाहरण आप पंजाब में देख सकते हैं। पंजाब में मुख्तार अंसारी कांग्रेस के राज में ही सेफ बैठा था। जेल मिनिस्टर मैं जी, एक ऐसा दा केस मेरी नजर चाया जिसने साडा पंजाब दी छवि ते सवाल उठा दिते। सर, इंडिया दा नामी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी वाज केप्ट इन अ पंजाब जेल फॉर 2 इयर्स एंड 3 मंथ्स। एक जाली एफआईआर करके मोहाली दे विच उस शख्स ते 10 परचे से यूपी ते, एक पंजाब दी रोपड़ जेल च रखा गया जिस बैरक दे विच 25 बंदे आने चाहिए सी। ही वाज गिवन अ वीआईपी ट्रीटमेंट, उसकी वाइफ उस जेल च नाल रहंदी सी सर। और कोर्ट में यूपी ना भेजे जाने की रिक्वेस्ट भी लगा चुका था, जिसे कांग्रेस ने पूरी तरह सपोर्ट किया। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का तो खुले तौर पर, और लेफ्ट पार्टियों का बैकडोर से इनको पूरा सपोर्ट माना जाता है। हालांकि कई बीजेपी नेताओं के भी इसके साथ करीबी संबंध माने जाते हैं। खैर, भारतीय राजनीति में ये नेता अपनी पार्टी बदलते रहते हैं। देखिए, जब तक देश का आम वोटर जागरूक नहीं होगा कि वो ऐसे किसी भी नेता को वोट नहीं करेगा जिस पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, तब तक ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। इसके लिए आप इस साइट पर जाकर अपने क्षेत्र के नेता का पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं कि उसके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अगर कोई भी नेता आपको साफ पाक नहीं दिखता तो नोटा तो है ही, उसे ही जिता देना, तभी इन पार्टियों पर अच्छे कैंडिडेट उतारने का दबाव आएगा। आपका एक सही वोट देश की राजनीति को बदल सकता है। खैर, ये भी कोई इत्तेफाक नहीं कि देश और विदेश के बड़े बड़े अखबारों ने इस केस को कैसे कवर किया, आप खुद देख सकते हैं। इनकी रिपोर्टिंग से गैंगस्टर, गुंडा और क्रिमिनल जैसे वर्ड गायब थे। उन्होंने लिखा है कि एक पॉलिटिशियन को मार दिया। खैर, आप भी समझदार हैं, इन न्यूज़पेपरों के एजेंडे से तो आप भी भली भांति परिचित होंगे। अब अगर आप राहुल गांधी के मोदी 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 वाले बयान का लॉजिकल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये लेफ्ट विंग के लोग कितनी बारीकी से अपने नैरेटिव को सेट करते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।